हेलो दोस्तों, कोई भी एनिमल हो या फिर इंसान, वक्त के साथ साथ सभी पहले बच्चों से जवान और जवान से बूढ़े होते जाते हैं। अगर हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते तो हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, पर अगर कुछ लोग अपने खाने पर, अपनी फिटनेस पर अच्छे से ध्यान देते हैं तो वो बूढ़े होने की उम्र में पहुँचने के बाद भी जवानों की तरह फिट एंड फाइन रहते हैं। ऑफ कोर्स इनमें से ज्यादातर सभी लोगों का प्रोफेशन ही ऐसा है कि उन्हें फिट रहना पड़ता है, जैसे कि या तो वो एक्टर हैं या फिर कोई एथलीट। लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रोफेशन फिट रहना नहीं था, पर उन्होंने अपना पैशन फिट रहना बना दिया और फिर वो बूढ़े हुए ही नहीं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं 10 ऐसे लोग जो बूढ़े नहीं हो रहे। नंबर 10, स्टैनिस्लो कोवाल्स्की। हम में से बहुत से लोगों को कुछ उम्र बीतने के बाद ही ये लगने लगता है कि यार अब मेरी एज इस काम को करने की नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हद से ज्यादा मोटिवेशन का सोर्स बन सकते हैं स्टैनिस्लो कोवाल्स्की। इनके अंदर रनिंग का शौक 92 साल का होने के बाद जगा और 92 साल की उम्र से इन्होंने रनिंग स्टार्ट की। और जब इनकी उम्र 105 साल हुई तो इन्होंने पोलिश चैंपियनशिप ऑफ वेटरन में 2015 में पार्टिसिपेट किया और उसमें इन्होंने 328 फीट की दूरी 34.5 सेकंड्स में पूरी की और बन गए वर्ल्ड चैंपियन। इसके बाद इन्हें वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एथलीट का खिताब दिया गया। इसके बाद भी इन्होंने बहुत से रनिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और वेल ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते चले गए। अप्रैल 14th, 2020 को कोवाल्स्की को सुपर सेंटेनेरियन का खिताब दिया गया, यानी तब इनकी एज 110 साल हो चुकी थी। कोवाल्स्की अब भी जिंदा हैं और फिट एंड फाइन हैं। इनसे इनकी फिटनेस का राज पूछा गया तो इन्होंने बताया, लेट नाइट में खाना न खाना और रनिंग इनकी फिटनेस का राज है। मतलब जिस एज में खुद इंसान के साथ उसका बेटा भी रिटायर हो जाए, उस एज में इस शख्स ने अपने करियर का नया अध्याय लिख डाला। सच एन इंस्पिरेशन। नंबर 9, रॉबर्ट मर्चेंट। रॉबर्ट मर्चेंट एक ऐसा फ्रेंच शख्स है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जेल में रहे, बाद में रिटायर हो गए। पर एक नॉर्मल सोल्जर की तरह रिटायरमेंट के बाद अपने करियर को इन्होंने खत्म नहीं किया, बल्कि 62 साल का होने के बाद इन्होंने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी। 2012 में जब ये 100 साल के हो गए तब इन्होंने अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इन्होंने 1 घंटे तक साइकिलिंग की और लगभग 24 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। 2 साल के बाद इन्होंने फिर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया और इस बार 25 किलोमीटर से ज्यादा साइकिलिंग कर डाली। इसके बाद भी इन्होंने कुछ और रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि 105 साल की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा उम्र वाला कॉम्पिटिटिव साइकिलिस्ट होने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। जब 106 साल के हुए तो डॉक्टर्स ने इन्हें साइकिलिंग करने से मना कर दिया, पर ये नहीं माने और 2018 में 68 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चला डाली। इन्होंने अपना 107वां बर्थडे भी कई किलोमीटर तक साइकिलिंग चला कर सेलिब्रेट किया, लेकिन 108 साल का होने के बाद इनकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई, इसीलिए अब ये साइकिल नहीं चला सकते। इनकी फिटनेस का राज था ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल खाना और थोड़ा सा मीट और कॉफी। नंबर 8, अनिल कपूर। अनिल कपूर को तो आप काफी अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने 1979 में हमारे तुम्हारे मूवी में डेब्यू करके अपने करियर की शुरुआत की। फिल्मी करियर स्टार्ट किए इनको 41 साल बीत चुके हैं, फिर भी ये मेन एक्टर के तौर पर मूवीज में आते हैं। इन्हें कोई देखे तो वो ये भी नहीं कह सकता कि इस एक्टर की उम्र अब 62 साल हो चुकी है। तो क्या वजह है कि अनिल कपूर इतने फिट एंड फाइन है? इसकी वजह है इनका एक्सट्रीम फिटनेस रूटीन। 62 साल का होने के बावजूद ये पर डे 20 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाते हैं और 3 बच्चों के फादर अनिल कपूर के सामने उनका सन इन लॉ बूढ़ा लगता है, पर हर दिन 2 से 3 घंटे जिम में जाकर बिताने वाले और रोज साइकिल चलाने वाले अनिल कपूर एकदम यंग लगते हैं। नंबर 7, नंदना सेन। नंदना सेन एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जो रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा ये बुक राइटर भी हैं और बच्चों के राइट्स के लिए भी ये बहुत काम करती हैं। नंदना सेन की उम्र इस वक्त 52 साल हो चुकी है, पर वो लगती नहीं है। इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2005 में जब इनकी उम्र 37 साल थी, उस वक्त इन्होंने फिल्म ब्लैक में 17 साल की रानी मुखर्जी का किरदार निभाया था। नंदना सेन से पूछा जाता है कि उनका इतनी यंग दिखने का क्या राज है, तो उनका कहना है, 8 ग्लास वाटर, 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड 8 हग्स।
नंबर 6 शर्ले वेब। शर्ले की स्टोरी भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। ये एक ऐसी महिला थी जो सही से सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकती थी, ना ही खुद से उठ सकती थी। इसीलिए 77 साल की उम्र में इन्होंने पावर लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया और 5 साल पावर लिफ्टिंग के बाद ये काफी ताकतवर बन गई। शर्ले ने 77 साल की उम्र में पहली बार जिम ज्वाइन किया। पहले ये कभी भी जिम नहीं गई थी, मतलब जिस एज में लोग जिम करना बंद कर देते हैं, इसमें इन्होंने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे ये सीढ़ियां भी चढ़ने लगी और वेट तो ये उठाती ही थी। 2015 में इन्होंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें जीत भी गई। कुछ दिनों के बाद इन्हें एक प्रॉब्लम हुई, इन्हें चक्कर आने लगे, पर फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और 2019 में एक और नेशनल चैंपियनशिप में ये सेकंड आई। उस कॉम्पिटिशन में इन्होंने 212 किलोग्राम का वजन उठाया था। अब तक ये 18 नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स जीत चुकी हैं। फिलहाल इनकी एज 82 साल है और ये अब भी वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। नंबर 5 शुआंदो टैन। शुआंदो टैन सिंगापुर के एक फेमस इंस्टाग्राम मॉडल हैं, पर आपको इनकी एज कितनी लगी? 30 से 35 साल? जी नहीं, इस सिंगापुरियन मॉडल की उम्र है 51 साल। 1980 के दशक में ये मॉडलिंग करते थे और अब भी कर रहे हैं। फर्क इतना है, कैमरे अब और भी अच्छे होने लगे, पर टैन अब भी वैसे के वैसे हैं। कुछ लोग इनकी फिटनेस की वजह इनके जीन्स को मानते हैं, पर असल में शुआंदो काफी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। ये ब्रेकफास्ट में 6 अंडे, 1 ग्लास दूध, कभी कभी अवोकेडो के साथ बेरीज भी लेते हैं। खाने में ये एग्स के अलावा चिकन विद राइस, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और फिश सूप पीते हैं। इन्हें आइसक्रीम भी काफी पसंद है, इसीलिए कभी कभी ये आइसक्रीम खा लेते हैं, पर केवल दोपहर से पहले। ये पानी बहुत पीते हैं और डिनर में सैलेड खाते हैं। जिम जाने के अलावा शाम को 1 घंटा स्विमिंग करके भी ये अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हैं। नंबर 4 चार्ल्स यूगस्टर। जिस एज में लोग खुद से चल भी नहीं पाते, उस एज में चार्ल्स यूगस्टर ने रनिंग स्टार्ट की थी। यानी कि इन्होंने 87 साल की उम्र में देखा कि इनकी बॉडी खराब होती जा रही है, इसीलिए 87 साल की उम्र में इन्होंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही दिनों में 200 मीटर इंडोर और 400 मीटर आउटडोर स्प्रिंट्स में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। अब तक ये 100 फिटनेस अवार्ड और मेडल्स जीत चुके हैं, जो कि काफी हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना फिटनेस करियर भी 87 साल की उम्र में शुरू किया था। ये केवल रनिंग ही नहीं करते थे बल्कि बॉडी बिल्डिंग, वेक बोर्डिंग भी करते थे। इसके अलावा इन्हें बोटिंग करना भी काफी पसंद था। ये एक फैशन डिजाइनर और एंटरप्रेन्योर भी थे। एक अजीब बात ये भी कि जिस एज में लोग पर डे बूढ़े होते जाते हैं, उसमें ये जवान होने लगे थे। जी हाँ, इनके बालों का रंग व्हाइट से ब्राउन भी हुआ था। इसकी वजह है स्ट्रिक्ट डाइट। लेकिन 97 ईयर्स की एज में इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। नंबर 3 जेसिंटो बोनिला। जेसिंटो काफी मेहनत से वर्कआउट करते हैं और ये बचपन से ही स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। बचपन में ये बॉक्सिंग करते थे, फिर इन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली। इसके बाद ये मैराथन में दौड़े और बॉडी बिल्डिंग भी की। 69 ईयर्स की एज में इन्होंने अपने फिटनेस रूटीन में एक नई शुरुआत की और अब ये हर बर्थडे में अपनी उम्र के बराबर रिपीटिशन ऐड कर देते हैं, जिसे ये जेसिंटो स्टॉर्म कहते हैं। मतलब कि ये जितने साल के होंगे, ये उतनी बार ही अपनी एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। ये एक वीक में 5 बार एक्सरसाइज करते हैं। फिलहाल इनकी एज है 80 इयर्स, इसीलिए ये 80 जंप रोप, 80 स्क्वाट्स, 80 पुशअप्स, 80 पुलअप्स और ऐसी अपनी हर एक्सरसाइज को 80 टाइम्स रिपीट करते हैं। अब ये बहुत से यंगस्टर को ट्रेनिंग भी देते हैं और इनका कहना है कि उन्हें अब अपनी उम्र 50 साल कम महसूस होती है। नंबर 2 जॉन मैकडोनल्ड। 70 इयर्स की एज में जॉन को हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और भी कुछ बीमारी हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने इन्हें बहुत सी दवाएं लिखी, पर जॉन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया और अपनी लाइफस्टाइल में बहुत से चेंजेस किए। पर डे पहले इन्होंने धीरे धीरे वॉकिंग स्टार्ट की, इसके बाद योगा किया और फिर ये जिम जाने लगी और वहाँ जाकर वेट लिफ्टिंग भी करने लगी। अब ये जिम में लगभग 2 घंटे बिताती हैं और इसके रिजल्ट भी इन्हें काफी अच्छे मिले। अब ये 72 साल की हो चुकी हैं और अपना 28 किलोग्राम वजन घटा चुकी हैं और एकदम फिट एंड हेल्दी हैं। जिस एज में ज्यादातर महिलाएं एक्सरसाइज करना बंद कर देती हैं, उस एज में इन्होंने अपना 28 किलोग्राम वजन घटाकर फिट रहने वालों के लिए एक नई मिसाल पेश कर दी है। नंबर 1 काजिम। सबसे पहले आप इस शख्स को देखिए, ये तुर्किश इंसान जिसका नाम है काजिम गुरबुज, इनकी उम्र आपको कितनी लग रही है गेस कीजिए। मुझे तो ये 50 से 60 साल का हेल्दी इंसान लग रहा है, पर नहीं, इस शख्स की उम्र है 100 साल। ओह, मतलब ये शख्स तो अपनी एज का आधा दिखता है, पर कैसे?
इनकी स्टोरी भी काफी इंस्पायरिंग है। 41 साल की उम्र में इनका कार एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि अब ये कभी चल नहीं सकते क्योंकि इनकी बॉडी पैरालाइज हो रही है। इसके बाद काजिम ने योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया और ठीक 9 मंथ के बाद काजिम फिर से चलने लगे। उसके बाद इन्होंने बहुत सी एक्सरसाइज और योगा को सीखा। ये शहद और दूसरी हेल्दी चीजें ही खाते हैं और इनका मानना है आपकी हेल्थ पर सबसे ज्यादा असर आपके दिमाग और आपकी सोच का पड़ता है, इसीलिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीना चाहिए। इस शख्स ने 100 साल का होने के बाद भी खुद को जवान समझा, इसीलिए ये अब भी जवान दिखते हैं। दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे इसीलिए हमेशा की तरह एक बोनस फैक्ट तो बनता है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बोनस फैक्ट है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर दुनिया भर के लोगों की फिटनेस के लिए इंस्पिरेशन होते हैं एक्टर्स या मॉडल्स, और उन एक्टर्स की फिटनेस के लिए इंस्पिरेशन है अर्नोल्ड, जो न सिर्फ हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं बल्कि यूएसए के राज्य कैलिफोर्निया के गवर्नर भी रह चुके हैं। टर्मिनेटर 3 मूवी में इनका इतना यंग रोल देख कर लोग हैरान हो गए थे। फिलहाल अर्नोल्ड की एज है 72 ईयर्स और 1964 में अर्नोल्ड ने पहला वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जीता था। 1967 में ये मिस्टर यूनिवर्स भी रहे, पर ये सब तो इनकी यंग एज की बात है। फिलहाल ये 72 साल के हैं और टर्मिनेटर जैसी हिट मूवी सीरीज में मेन रोल निभाते हैं। ये ओट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ साथ एग्स का यूज अपनी डाइट में ज्यादा करते हैं। हर सुबह 7 बजे जिम जाकर वर्कआउट करते हैं और दोपहर में 45 मिनट साइकिलिंग करते हैं। शाम को ये फिर से वर्कआउट करते हैं। यही वजह है कि इनके बाल तो सफेद हैं पर बॉडी एकदम यंग है। दिस मैन इज रियल इंस्पिरेशन फॉर बॉडी बिल्डर्स। दोस्तों हमें भी अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगर जरा भी ये वीडियो मोटिवेशनल लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।